तो और ये वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू गेट यू आर एल सर्च करो, ये वाली वैल्यू हम कैसे गेट कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट, वो हम आज देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग करना पड़ेगा, एक हमारा एक मेथड होता है न्यू यू आर एल सर्च करो, इसमें हम यू आर एल लेते हैं, कौन सी यू आर एल, न्यू यू आर एल सर्च करो, तो यहाँ पे हम इसको अपने यू आर एल डालेंगे। यहाँ पे हम डाल सकते हैं विंडो डॉट लोकेशन, अब क्योंकि हमको सर्च वाली प्रॉपर्टी चाहिए तो यहाँ पे हम सर्च डालेंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च, क्योंकि सर्च पर हमारा जो है सर्च वाले में आता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो हमें देखेंगे कि यू आर एल सर्च फॉर्म के अंदर इतने सारे मेथड्स हमको मिलेंगे। तो अगर किसी किसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे गेट करना है सर्च, किसी सर्च प्रॉपर्टी को यहाँ पे गेट करना है, जैसे इसके नेम की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आपको गेट में जाना पड़ेगा। गेट में जाके इसका नेम यहाँ से पास करोगे, नेम जैसे यहाँ पास करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि यू आर एल को नेम प्राप्त करना है, तो यू आर एल डॉट गेट यहाँ पे डालेंगे नेम, यहाँ पे हमको वैल्यू उसकी मिल जाएगी। और एक हमारा एक अदर मेथड है, लेट्स से कि यहाँ पे आपके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, टच यहाँ पे एजुकेशन भी है, ग्रेजुएशन टू बी टेक, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे एजुकेशन गेट करना हो लेट्स से, तो हम यहाँ क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम एजुकेशन डाल देंगे, यहाँ पे हमको एजुकेशन की वैल्यू मिल जाएगी। लेट्स से कि यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर है और आपको चेक करना है कि कोई स्पेसिफिक पैरामीटर चेक करना है कि वो अवेलेबल है कि नहीं, तो वहाँ आप हैज़ मेथड होता है, तो उससे आप प्राप्त कर सकते हो कि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि यू आर एल, इस यू आर एल में ये सर्च पैरामीटर है कि नहीं। तो यहाँ पे एक हैज़ प्रॉपर्टी, हैज़ मेथड होता है, उसके थ्रू गेट कर सकते हो आप। यहाँ पे यू आर एल डॉट हैज़ एक्सप्रेशन मैंने डाला, तो क्योंकि ये यहाँ पे है तो इसलिए इसे ट्रू रिटर्न कर दिया है। लेट्स से हम कोई रैंडम प्रॉपर्टी डालते हैं, रैंडम सर्च पैरामीटर डालते हैं जो यहाँ पे नहीं है, लेट्स से हम क्लास डालते हैं, तो ये चेक करेगा इसमें क्लास वाली सर्च पैरामीटर है कि नहीं। तो यहाँ पे क्लास पैरामीटर है नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दोगे। तो इस तरीके से आप सर्च पैराम की वैल्यू गेट कर सकते हो बहुत ही इजीली। बहुत सारे लोग और इसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि विंडो डॉट लोकेशन, बहुत सारे लोग इसे मतलब स्प्लिट के थ्रू गेट करते हैं, वो तो सही तरीका नहीं है। वैसे विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ, अब यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि विंडो डॉट लोकेशन डॉट स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट करेंगे किसके थ्रू, स्लैश या फिर क्वेश्चन मार्क के थ्रू स्प्लिट कर देते हैं, फिर यहाँ से वो ऐसे गेट करते हैं, तो वो एक सही तरीका नहीं है। इसे कहीं पर मैं अगर जीरो डालता हूँ तो ये मिल जाएगा, वन डालता हूँ तो ये चीज़ मिल जाएगी, फिर उसमें से मतलब स्प्लिट वगैरह करके फिर एरे से, तो वो सही तरीका नहीं होता है, वो डायनेमिक नहीं होता है। अगर यहाँ पे सर्च पैरामीटर अगर बढ़ जाते हैं तो इस केस में ये काम नहीं करेगा, वहाँ पे आपको एरर आ सकता है। बट ये तरीका काफ़ी एग्जैक्ट है, आपको कभी एरर नहीं आया। और ये था कैसे सर्च पैरामीटर निकाल सकते हैं किसी वर्ग में से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।